फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत पक्का तालाब पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में छत पर रखे कार्टूनों व गत्ता में अचानक धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में आग की लपटों को देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही देर बाद इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लपटें आसपास के मकानों तक पहुंचने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अपनी अपनी छतों से पानी फेंक कर आग पर काबू पा लिया। वहीं दुकान स्वामी ने इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड अधिकारियों को भी दी तो कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने भी आग पर पानी डालकर काबू पाया। दोपहर में हुई इस घटना से बाजार में हड़कंप मच गया। फिरोजाबाद से राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। हम लोग नसीरपुर कट पे थे, आज किसान लोगों का भारत बंद था, नसीरपुर कट पर लगे थे। वहाँ सूचना मिली कि पक्के तालाब पर ये बैंक कोई बताई, बैंक के पास में छत पर आग लगी हुई है। तत्काल वहाँ से चल दिए, अंग्रेजी शराब की दुकान के छत पर आग लगी है। आए यहाँ पर तो कुछ आग अभी बची है, उसे बुझा रहे हैं और जनता द्वारा बुझा ली गई है। क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो अभी आग बुझने के बाद में पता चलेगा। घर से आ रहा था तो बच्चा था, छोटा बच्चा यहाँ पे था, उसने एकदम चिल्लाया, मैं यहीं पास में आ गया तो चिल्लाया चाचा जल्दी आओ, बाकी आग लग गई। मैं उससे अभी पूछा मैंने तो वो कह रहा दो लोग आए थे मुँह बांध के, उस कोने में, उस साइड वाले कोने में कुछ फेंका है उन्होंने, एकदम फेंकते ही एकदम आग शुरू हो गई। किस तरह से आग लगी? एक मेरे कबाब फट्टा पड़े हुए थे, जो दारू के कार्टून आते हैं ना, वो पड़े हुए थे। करीबन 50-60 हज़ार रुपये का कार्टून था, पूरा जल गया। आग तो काबू पा गया भैया, सब लोगों ने, पूरे बाजार के लोग हैं, दुकानदार हैं, सब लोगों ने अपने फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड को भी फोन किया, अभी तक नहीं आई है फायर ब्रिगेड। जैसे ही आग लगी तुरंत किया था।